कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौसम बिगड़ा हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये उफान मारती नदियां और नदियों की हदों को पार कर हर तरफ बहता पानी। हदें जब भी टूटती हैं तो तबाही आती है, बाढ़ आती है। इस बाढ़ ने भी कुछ इसी तरह का हाल बना दिया है। बढ़िया मोहल्ला है और संगम कॉलोनी कहलाता और पानी की तो यहाँ पे हमेशा ऐसी स्थिति रहती है। लगभग कितना फीट अभी तक पानी भरा है यहाँ पे? हमारे का रात की फुट से गए कमर तक पानी है। अभी निकलने का कोई निकलने का बड़ी मुश्किल से निकल के आए ड्यूटी जाने का। हमको पानी भरा हुआ था आप लोगों के घरों में? रात से पानी भरा हुआ था घर में, अभी भी थोड़ा बहुत पानी निकला है। अगर अभी भी थोड़ा बहुत पानी है, नगर निगम वाले आए थे, उन्होंने काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद में कुछ पानी घर में से कमरों में से निकाला है, मगर अभी भी पानी भरा हुआ है। बाहर का गली का कॉलोनी का पानी अभी भी एज इट इज। पानी की वजह से कोई सामान खराब हो रहा है? पूरा सामान फर्नीचर सारा सब खराब हो चुका है। मकान की दुर्दशा हुई है, पलंग के अंदर तक अलमारियों में सब में पानी, सड़कों पे भी पानी भरा, रोड पे पूरा पानी भरा है, सड़क पे पूरा पानी भरा, सड़क पे भरा है, जो कि पानी भरा रहेगा, अभी 4-5 दिन पानी भरा रहेगा। और कमरों की तो ये हालत हो गई है कि मकान का भी नुकसान हुआ है और फर्नीचर का भी नुकसान हुआ है, अलमारियों में सब में पानी भर चुका है। ये वीडियो अजमेर के सक्ती नगर का है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। निगम वाले कर्मचारी रुके हुए थे, उन्होंने अपनी मशक्कत काफ़ी करी है, काफ़ी पानी निकाला उन्होंने, लेकिन फिर भी अभी जो बॉल डूबी है उतना पानी उन्होंने निकाल दिया और बाकी अभी भी कमरों में भरा हुआ पानी है। बहुत पानी भर रहा है, साग सब्जी से पूरी परेशानी हो रही है, क्या करें। घरों में भी पानी भरा हुआ, घरों में भी पानी आ रहा है, टैंक टूट गए, देखो पानी। नाम क्या आपका? मेरा नाम सरंगड़ा। मैं बताना चाहूँगा कि ये वार्ड नंबर 54 है, शक्तिनगर का एरिया, जहाँ पर पूर्व में विपर्जय जो तूफान आया था तब से लेके आज तक पानी भरा हुआ था। मीडिया के माध्यम से भी लगातार कवरेज प्रशासन को दिखा रहे हैं, मैं भी प्रशासन को चेता रहा हूँ, लेकिन प्रशासन नाकामयाब कोशिश हो रही है उनकी, क्योंकि मात्र 4 पंप से इतने बड़े क्षेत्र का पानी निकालना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह पानी इतनी तादाद में है, जिसका एक उदाहरण मैं बार बार प्रशासन को चेता रहा था कि कभी ना कभी कोई हादसा हो सकता है, वो हादसा कल रात को हो चुका है। ये इनके एक गरीब परिवार है जिनके लाखों का नुकसान हो चुका है, डोली गिर चुकी है, ये क्षेत्र पूरा पानी से डूबा हुआ है, लगातार आज तक पानी से डूबा हुआ है। गली नंबर 3 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, पाल वाला एरिया ले लो, मतलब शक्तिनगर का तमाम एरिया, एक ये वाला एरिया नहीं, तमाम एरिया रात को तेज बारिश से भी भरा हुआ है। सर जितना पानी निकाला था इतने दिनों में, लगातार जितना पानी निकाल सके थे, पूरा नहीं निकाल पाए थे, लेकिन जितना निकाला था पुणे उससे दुगना पानी भर चुका है। घरों के अंदर भी पानी है? घरों के अंदर पानी है, लोग घरों में बसे हुए, स्कूल खुल चुके हैं, आज सावन सोमवार भी है, लोगों को मंदिर भी जाना है, लेकिन लोगों ने व्रत तो करे, लेकिन मंदिर कैसे जावे, मंदिर के पार जाने के लिए पानी रास्ता नहीं है, पानी फुल भरा हुआ है, मंदिरों में भी पानी है। बाढ़ के पानी ने जिस तरह भी अपना रुख किया, सब कुछ अपने साथ बहा ले गए, गाँव के गाँव उसकी चपेट में आ गए, लोगों की नजरों के सामने उनका घर बार, माल मवेशी और कारोबार देखते ही देखते पल भर में बर्बाद हो गया।